टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड ट्रेवल बोथ. वो कहता है कि दो रोड्स थी जो कि डाइवर्ज होती थी, ठीक है. येलो वुड, येलो मतलब कि वुड का मतलब है फॉरेस्ट, ओके. येलो मतलब कि ऑटम का टाइम है, पत्ते जब झड़ते हैं, पतझड़ का जो मौसम आता है, तब वहाँ पे जो है कलर जो स्प्रेड हो जाता है वो मोस्टली येलो होता है, ठीक है. बिकॉज पत्ते जब टूट कर गिरते हैं तो वो येलो होते हैं, और जब वो थोड़े सूख जाते हैं या वो मुरझा जाते हैं तो उनका कलर चेंज होकर के ब्राउन होना शुरू हो जाता है. ओके, सो वो कहते हैं टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. तो वो कहता है कि दो रोड्स थी अलग अलग, जो कि एक येलो वुड में जो है डाइवर्ज होती थी, अलग अलग होती थी. एक फॉरेस्ट में जहाँ पे कि पतझड़ का मौसम चल रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि पतझड़ का मौसम चल रहा है, ओके. सो और डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज का मतलब है दो अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है. एक जगह पर वो सामने चल कर जा रहा है जहाँ उसे दो अलग अलग रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो डाइवर्ज. इसको फॉक भी कहा जाता है. फॉक मीन्स ऐसे ही एक लोकेशन जहाँ से कि स्ट्रेट किसी रोड से हम आ रहे हैं और सामने जाके दो अलग अलग रास्ते जा रहे हैं जहाँ कोई डायरेक्शन नहीं लिखी हुई. ही हैज़ टू चूज, और वही वो कह रहा है. एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ. सॉरी वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सोचता है कि वो दोनों रास्तों पर जा पाए, पर वो कहता है कि नहीं, मैं तो एक ही रास्ता चूज़ कर सकता हूँ. और ये उस समय की बात है, प्रोबेबली लोग पैदल भी चला करते थे, घोड़ों पे चला करते थे, हॉर्स राइडिंग या बलक कार्ट्स वगैरह पे चला करते थे. ये उस समय की लिखी गई पोम है. तो वो कहता है कि मैं दोनों रास्ते तो नहीं ले सकता. आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर. और एक ट्रैवलर होने के नाते, ठीक है, क्योंकि वो एक ट्रैवलर था, एक ट्रैवलर के नाते वो वहाँ पे काफ़ी देर जो है रुका रहा, खड़ा रहा, सोचता रहा. क्या सोचता रहा? लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड मतलब वो ठिठक के वहीं देखता रहा, ठीक है. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक पर उसने देखा जितनी दूर तक उसकी निगाह जा सकती थी वहाँ तक उसने देखा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, ठीक है, जहाँ पे वो मुड़ गई सड़क जो है उसने एक की ओर देखा. जितनी दूर तक वो देख सकता था, उस निगाह जाती थी जितनी दूर तक उसकी जा पा रही थी वहाँ तक उसने देखा, और जहाँ तक कि वो अंडरग्रोथ में मुड़ नहीं गई. मतलब कि वो सड़क जो है, वो रास्ता जो है मुड़ रहा था. अंडरग्रोथ मतलब कि कुछ जो है जंगल में, क्योंकि लोग वहाँ पे गए नहीं होते उस रास्ते पे, तो कुछ पेड़ पौधे वगैरह उग जाते हैं तो उनको अंडरग्रोथ कहा जाता है, ठीक है. तो जो अनवांटेड ग्रोथ रास्तों के साथ साथ, पगडंडियों के साथ साथ उगाती है, उसको यहाँ पे अंडरग्रोथ कहा जा रहा है. झाड़ियाँ जो उगाती हैं उनको अंडरग्रोथ कहा जा रहा है. तो कहता है कि वो एक, इस फर्स्ट टेंस में वो कहता है कि एक जंगल में वो गया जहाँ पे कि गुजर रहा था, जहाँ पे कि पतझड़ की वजह से सारे जो पत्ते थे वो नीचे गिरे हुए थे, रास्ते कवर्ड थे. और वो कहता है कि वो दो रास्ते उसके सामने आते हैं और वो क्योंकि दोनों पे नहीं जा सकता, तो वो पहले एक रास्ते को ध्यान से देखता है जहाँ तक कि वो झाड़ियों में मुड़ नहीं जाता. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, ठीक है. अब वो कहता है कि देन टुक द अदर, फिर दूसरा वाला उसने देखा एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. Though as for that the passing there had warned them really about the same. तो वो कहता है कि फिर उसने दूसरा लिया, दूसरे रास्ते की तरफ देखा. As just as fair, वो उतना ही attractive उसे दिखा. Fair यहाँ पे मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ पे मतलब है attractive. Poet की भाषा में मतलब है कि उसे और मन को लुभाया. As just as fair. And having perhaps the better claim. अब उसे दूसरा रास्ता लगा. Better claim का मतलब है यहाँ पे कि वो ज़्यादा अच्छा जो है वहाँ पे लग पा रहा था. Claim मतलब कि एक तरह का claim, वैसे blame होता है जिसका मतलब होता है आरोप. Claim यहाँ पे होता है कि इसके ऊपर ये दावा किया जा सकता है, claim लगाया जा सकता है, दावा किया जा सकता है कि ये रास्ता थोड़ा better है.
क्यों बेटर है वो आगे बताता है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो ग्रासी था यानी कि उस रास्ते पे घास उगी हुई थी, एंड वॉन्टेड वेयर, वेयर मतलब कि उसको यूज़ किया जाए, ठीक है। जब कोई जगह कोई रास्ता सुनसान होता है और उसको यूज़ किया जाए डिनोट करना होता है, तो हम वेयर जो है वर्ड लगाते हैं, ठीक है। वेयर का मतलब यहाँ पहनना नहीं है, वॉन्टेड वेयर का मतलब है कि उसको यूज़ किया जाए, थोड़ा सा उसे बदला जाए। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वो कहते हैं दो हालांकि जो लोग वहाँ से गुजरे होंगे शायद उन्होंने भी शायद कुछ ऐसा ही किया होगा। अबाउट द सेम मीन्स शायद वो पहले ही रास्ते पे ज़्यादा गए होंगे, पहले उसने एक रास्ता देखा जो दूर तक दिखाई दिया, झाड़ियों में मुड़ गया, अब दूसरे रास्ते की ओर देखता है तो वो कहता है कि ये बेहतर लग रहा है उसे, क्योंकि उस पर घास ज़्यादा उगी हुई है। घास ज़्यादा उगने का मतलब है कि लोग वहाँ से कम गए हैं, क्योंकि लोगों के जाने की वजह से घास जो है दब जाती है। आप ग्राउंड में, किसी ग्राउंड में, किसी जगह पे कोई एक रास्ता देखेंगे जहाँ से लोग निकलते हैं, तो वहाँ पे ग्रास ग्रो करना भी बंद कर देती है। झाड़ियाँ वगैरह आसपास तो उगती हैं, पर जहाँ से पैसेज होता है लोगों का, ठीक है, जहाँ पे कुछ दबाव पड़ता है, कोई चीज़ निकलती है, वहाँ पे कुछ भी ग्रो करना ग्राउंड पे, धरती पे अपने आप बंद हो जाता है। तो इस रोड पे भी ये जो कच्चा रास्ता है, दोनों ही रास्तों पे वो ऐसे देख रहा है कि दूसरे वाले रास्ते पे घास ज़्यादा उगी हुई है, शायद कम लोग गए हैं और इसको ज़रूरत है कि इस पर से कोई चल के जाए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, नेक्स्ट टेंजा में वो कहता है बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So वो कहता है कि उस मॉर्निंग में दोनों ही बराबर लग रहे थे, बराबर लग रहे थे मतलब शायद सुबह से उन दोनों ही सड़कों पर अभी तक कोई भी नहीं गया था। तो कहता है कि both that morning, उस सुबह उस दिन में दोनों ही बराबर उसे लग रहे थे, और वो कहता है कि in leaves no step had trodden black, ठीक है। लीव्स में क्या होता है कि अगर पत्ते गिरे हुए हैं रात भर के और उन पर से कोई चल के जाए तो वो जो है क्रश हो जाते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उनका कलर जो है फिर धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है टूटने के बाद। पहले वो येलो होते हैं, गिरे रहते हैं तो वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, और जब उनको क्रम्बल हो जाते हैं वो, यानी कि जब कोई उन पर से चल के जाता है या उन पर किसी तरह का दबाव पड़ता है, उनको तोड़ा जाता है, तो वो धीरे धीरे सड़ना सा शुरू हो जाता है, उनका कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। आप कोई एक नॉर्मल लीफ का लाइफ देखो, उसका इसी तरीके से चेंजेस होते हैं उसमें। सो वो कहता है कि सुबह से कोई शायद इन रास्तों से नहीं गया, क्योंकि कोई भी स्टेप लीव जो है वो ब्लैक नहीं दिख रहा था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो उसने फर्स्ट को किसी और दिन के लिए रख दिया, यानी कि फर्स्ट जो रास्ता था जो कि साफ था, जिस पे घास नहीं ज़्यादा उगी हुई थी और जिससे उसे लग रहा था ज़्यादा लोग चल कर के गए होंगे, तो उसने वो रास्ता जो है अगले किसी दिन के लिए रख दिया। ओके वो कहता है येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट फिर भी ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ता दूसरे की ओर ले जाता है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कहता है मुझे ये शक था कि मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊँगा। कैसे एक रास्ता, वो एक सड़क पे जाएगा तो वो कहीं और आगे चला जाएगा और आगे पहुँच के वो किसी और जगह पे पहुँच जाएगा, तो उसे ये डाउट था कि वो कभी दोबारा वापस उस पहली सड़क को देखने के लिए भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। So this is what is there in the third stanza. Now in the last stanza he says, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So वो कहता है कि मैं ये चीज sigh, sigh होता है लंबी गहरी सांस, जब कोई परेशानी आती है, ठीक है, या कोई आप नर्वस हो, परेशान हो, आपका पेपर होने वाला है, क्या होता है थोड़े से नर्वस होते हो, क्वेश्चन पेपर पकड़ते गहरी सांस खींचते हो और फिर भगवान को याद करते हो, फिर शायद पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते होगे, आमतौर पे सारे यही करते होगे, है ना। सो वो भी अब ये उधेड़ बुन में था, इस कश्मकश में था, ही वॉज इन अ डिलेमा
टू चूज द राइट वे, सो ही डिसाइडेड, उसने वो दोनों रास्तों की तरफ देखा एंड देन ही डिसाइडेड एंड ही टुक अ साय, एक लंबी गहरी सांस ली और उसने सोचा कि अब सम जो है वो रास्ता डिफ़िकल्ट ही चुनेगा। और ये सिस्की गहरी सांस के साथ क्यों बता रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया है। वो कहता है समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कहता है कभी बहुत 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 सदियों के बाद, एजेस एंड एजेस हेंस, बहुत 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 सदियों के बाद ये कहा जाएगा, शायद मेंशन किया जाएगा उसके नाम का, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वर्ल्ड एंड आए, दो अलग अलग रास्ते जाते थे एक जंगल में, और जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने जो है ऐसा रास्ता लिया था जो कि बहुत लेस ट्रेवल था, बहुत ही कम लोग जो है उस रास्ते पे गए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से सारा जो डिफरेंस है वो क्रिएट हुआ है, यानी कि उसकी लाइफ में जितने भी चेंजेस आए हैं वो इसी डिफरेंस की वजह से आए हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये था डायरेक्ट मीनिंग इन लाइंस का। ओके, डायरेक्ट मीनिंग जो पोएट उस सिचुएशन में पहुँच कर सोच रहा है। अब एक इम्प्लाइड मीनिंग है, इम्प्लाइड मीनिंग है जो मैंने आपको बताया इस पोम के अंदर सिम्बॉलिज्म है उस पे बेस्ड, जो एक डीप मीनिंग है इस पोम का वो ये है कि जब वो दो रास्ते ले रहा है, यानी कि ज़िंदगी में दो चॉइसेस आती हैं आपके सामने, एक तो रेगुलर है जो कि हर कोई एक काम करता है, और एक इररेगुलर है, कम लोग जो डिफ़िकल्ट पाथ है उसको चूज़ करते हैं, तो जौन सी एक चॉइस फाइनल आप करते हैं उस पे ही बेस्ड आपकी सारी लाइफ होती है। और एक और चीज़ सिम्बॉलिकली वो कह रहा है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब मान लो तुमने 10th के बाद जो है मेडिकल लाइन चूज़ कर ली, तो तुम उसी में आगे 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 जाते जाओगे, उसी में कुछ ना कुछ करोगे। यू कैन नॉट कम बैक आफ्टर 3 years और 4 years, यू कैन कम बैक आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो, बट यू कैन नॉट कम बैक आफ्टर सेवरल ईयर्स और फिर कहो कि मुझे अब कॉमर्स में पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अब तक सोच लो तुमने संस्कृत पढ़ी जिन्होंने, या पंजाबी चूज़ किया एज एन एडिशनल लैंग्वेज, तो यू कैन नॉट गो बैक एंड से कि मैं 5th class में वापस जाता हूँ और मुझे दोबारा से दूसरी लैंग्वेज करनी है, जो भी तुमने करी है उसकी जगह दूसरी, यू कैन नॉट डू दैट। तो वैसे ही वो कहता है कि जैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता बनता जाता है, एक जगह से हम दूसरी जगह पर पहुँचते जाते हैं, तो उसे ये डाउट था कि वो कभी वापस आएगा, यानी कि ज़िंदगी में एक चैलेंज के बाद दूसरा चैलेंज आता जाता है, देर आर चैलेंजेस वन आफ्टर दी अदर, ओके, एंड चैलेंजेस डू नॉट एंड। और वो लास्ट में साय के साथ क्यों बता रहा है, एक नेगेटिव टोन अपनाते हुए वो क्यों बता रहा है, अपने आप को बर्डन करते हुए बता रहा है कि उसने ऐसी राह चुनी है जो कि थोड़ी डिफ़िकल्ट है, जो कि लेस ट्रेवल्ड है, जिसमें कम लोग जाते हैं, और इसी से सबसे ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, इसी से उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो एक यूजुअल चीज़ है, एक यूजुअल काम है जो कि लोग करते हैं, और एक अनयूजुअल चीज़ है जो कि उसने करी है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द होल पोम इज़। नाउ टुमारो वंस यू गो थ्रू